सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर हार्डकोर का। और आज का जो प्राइमल फियर हार्डकोर का एपिसोड है, ये होने वाले हमारा आखिरी एपिसोड। और इस एपिसोड में कुछ सवाल है गाइस आपसे, उनका जवाब आप गाइस नीचे कमेंट में दे देना। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी आप लोग को दिखानी है आज के इस एपिसोड में। बाकी आज का जो फाइनल एपिसोड है प्राइमल फियर हार्डकोर का, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद एडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने हैं तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो ज़रूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइस आज का ये वाला जो एपिसोड है प्राइमल फियर हार्डकोर का, वो कर देते बिना किसी देरी के शुरू और मचा देते गाइस एकदम विंडो दबाए। और गाइस आप सभी लोगों को जैसे कि पता होगा पिछले एपिसोड में हम लोग ने फाइनल बॉस फाइट इस पूरे जो है ना गाइस यहाँ पे प्राइमल फियर सीजन की कर दी है ना। अभी आज भाई टेमिंग होने वाली है और ना गाइस कोई और भाई यहाँ पे चीज होने वाली है। आज जो भी डायनोज मैंने इस पूरी सीरीज में पकड़े वो सारे डायनोज मैं आज के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। और गाइज उसी के साथ साथ मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों के लिए, प्राइमल फियर हार्डकोर तो गाइज यहाँ पे दैड हो रहा है, सो इसकी जगह पे मैं कौन सा नया मॉड खेलूँ। अगर आपको मॉड के नाम पता है सो नीचे कमेंट में डालना, ठीक है। वरना ऐसे नहीं बोलना भाई ये मॉड खेलो जिसमें ड्रैगन के भाई 10 हाथ होते हैं, वो मुझे मॉड पता नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको मॉड का नाम पता है तभी नीचे कमेंट में डाल के मुझे बता देना गाइस कि भाई ये वाला मॉड ट्राई करो या फिर ये वाली सीरीज खेलो या तो भाई इटर्नल खेलो, ओमेगा खेलो। ऐसे आपके मन में जो भी मॉड होंगे नीचे कमेंट में डाल देना। आप जो बोलोगे गाइस वो वाला मॉड मैं आगे वाली सीरीज में दूसरे मॉड्स के साथ कंबाइन करके एक खतरनाक सी सीरीज बना के आपके सामने मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग गाइस कौन से मॉड्स को जो है ना गाइस यहाँ पे देखना चाहोगे अभी भाई खेलते हुए मुझे। बाकी गाइस आपने इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए गाइस धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट इस प्राइमल फियर हार्डकोर की सीरीज को दिखाने के लिए। और गाइस इसमें हमारा मैक्सिमम जो सफर है वो हार्डकोर मोड में ही चला, बट गाइस एंड में जाके कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हम लोग को FMK वाला मॉड डालना पड़ा एंड उस रीज़न से हमारी जो जर्नी है वो यहाँ पे थोड़ी सी ईजी हो गई है। और हम लोग ने काफ़ी सारे बॉसेस बिसेस को भी टेम करने का काम पिछले कुछ दिनों में गाइस यहाँ पे करा है। और अभी गाइस मैंने जितने भी डायनोस टेम करे वो सारे डायनोस A to Z आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आर यू गाइज रेडी। चलो गाइज मैं पहले एक एक करके आपको सारे जो अपने बेस पे डायनोज है उनसे मिला देता हूँ। हमारे पास है गाइज ओमेगा वाला फायर वाइब्रन, उसके बाद है हमारे पास सिलेस्टियल इंडोमेस रेक्स, ठीक है। और ये सिलेस्टियल इंडोमेस रेक्स का जो भाई था डिमोनिक रिपर वो यहाँ पे मारी जा चुके हैं जो हमारे पास है नहीं। हमारी तो लगभग भाई 50 या 60 डायनो तो वो जो नोवा रिवेंज वाली जो बॉस फाइट थी उसी में मारे गए, वरना भाई आज हमारा बेचना ऐसा भरा भरा होता यार अगर वो डायनो मारे नहीं जाते तो। सो ये हमारे पास इंडोमेस रेक्स है, उसके बाद हमारे पास भाई फोजदूर एल्डर हॉक है, उसके बाद डिम्प्रूडॉन है, उसके बाद गए हमारे पास है ड्यूडोकर्स, इग्वानडॉन, एंकलो, फेदरलाइड, उसके बाद हमारे पास है कछुआ, जोम्बी डोडो, टॉक्सिक डोडो, ट्राइग, उसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पे खतरनाक सा जो है ना गाइस एक डिफेंस यूनिट। बाकी आप लोग बताना टोटल कितने डायनो हमारे पास जिंदा बचे हैं, उसके बाद मोरेलेटॉप्स काउंट करते जाओ गाइस, ठीक है। स्पिरिट वाला भाई मैंटिकोर, बंदर, ड्रैगन, एपेक्स ड्रैगन, नॉर्मल डोडोरिक्स, डोडो वाइब्रन, और ये शायद से एपेक्स से अल्फा वाला गाइस बंदर है, ठीक है। काउंट करते जाओ कितने डायनोज हम लोग ने टेम करे। उसके बाद हमारे पास गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खतरनाक सा जो है ना गाइज फॉलन, पेगासस, डिमोनिक फॉलन और ये कौन सा है डिवाइन भाई पेगासस, लेजेंडरी पेगासस, मैलिन, एल्डर मैलिन भाई, इक्विस डिमोनिक वाला, उसके बाद नया डायनोज आया था हमारा क्यूट सा प्यारा सा बफोन वाला डोडो। उसके बाद गाइज हमने यार इस बार ना
ग्रिफिन कलेक्शन कंप्लीट ही नहीं करा क्योंकि प्राइमल फेयर हार्डकोर था, इसमें ज़्यादा बूस्ट नहीं करा था मैंने सर्वर को, मतलब लगभग 1 या 2% ही बूस्ट था। सो उस रीज़न से ग्रिफिन ना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे नहीं निकल के आए, इसलिए मैंने गाइस ज़्यादा कुछ ग्रिफिन भाई पकड़े नहीं है। हमारे पास फायर ग्रिफिन है, उसके बाद हमारे पास गाइस यहाँ पे अवेलेबल है प्यारा सा छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्रिफिन कौन, डार्क ग्रिफिन, हमारा क्योस वाला मैंटिकोर, उसके बाद हमारा स्पिरिट वाला ड्रैगन क्योस ड्रैगन, देन हमारा सुपर चार्ज गीगा, देन हमारा आता है यहाँ पे इसका नाम नेमसिस है ना, नेमसिस इसका नाम स्काईनेट, स्काईनेट बॉस, स्काईनेट, स्काईनेट बॉस। उसके बाद डिमोनिक पैरासोरस की आर्मी जिसका इस्तेमाल हम लोग ने कराई नहीं गाइज, देन आता है हमारे पास रॉक गोलेम गाइज सिलेस्टियल वाला, डिमोनिक कैप्रो, डिमोनिक ओविस, सिलेस्टियल थाइलो, क्योस वाला गाइज एकदम खतरनाक सा बंदर, उसके बाद क्योस वाला हमारा थाइलोकोलियो, बफॉन मेगाथेरियम, बफॉन मेसोपिथिकस, नेमलेस, फ्यूरॉक्स, अपने भाई फ्यूरॉक्स की आर्मी भी मारी गई सिलेस्टियल वाली। सो उसका भी दुख हमारे यहाँ पे जो ना हमको है गाइस, उनका भी दुख है, क्या करें भाई, बहुत बड़ी आर्मी थी लेकिन मारी गई। उसके बाद हमारा थ्री एंड बफॉन वाला प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा जो है मैंटिस, इसके अलावा और कोई डायनो हमारे पास बचे नहीं है। डायनोज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन वो सारे मारे गए। अभी मेरे इन्वेंट्री में जो डायनोज है उनको मैं एक एक करके अभी बाहर निकाल देता हूँ। हमारा प्यारा सा ये जो है ना गाइज क्योस ग्रिफिन, इसने हमारे सफर में काफ़ी ज़्यादा हमारा भाई यहाँ पे हेल्प करा, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मैक्सिमम मैंने क्योस और स्पिरिट ग्रिफिन का इस्तेमाल करा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आते हैं हमारे, ओए अपने पास एक डिमोनिक रिपर भाई जिंदा बची है क्या, ये कब हुआ? अरे हाँ नहीं यार ये पता नहीं कब हुआ, बट अपने पास एक डिमोनिक रिपर बची हुई है, वो भी वर्ल्ड वर्जन, ठीक है भाई ठीक है चलो। अगला ये कौन है भाई, क्योस वाला डोडो वाइब्रन, क्योस वाला डोडो वाइब्रन गाइस अपने पास एक और है। देन उसके बाद नोवा द डिस्ट्रॉयर का बच्चा छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा स्पिरिट ग्रिफिन, जिससे हम लोग ने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करा काफ़ी ज़्यादा। देन उसके बाद आता है यहाँ पे स्पिरिट स्पाइनो, नाइस, काफ़ी सारे डायनोज अभी तक मेरे इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, ठीक है इनको भाई बेस पे रखने के लिए जगह है क्या, रुको देख लेता हूँ। इसके बाद आता है एक और बच्चा नोवा द डिस्ट्रॉयर का, उसके बाद स्वयं नोवा द डिस्ट्रॉयर जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। देन उसके बाद हमारा पिकॉन द क्रिएटर का बच्चा और स्वयं पिकॉन द क्रिएटर, ठीक है स्वयं पिकॉन द ग्रेड है, ये बॉसेस जो है ना काफ़ी बड़े थे इनके, इसलिए इनको जो है ना मैंने क्राइव करके ही रखा था। उसके बाद यहाँ पे क्योस वाला वाइब्रन भाई, डोडो वाइब्रन और वाइब्रन दोनों पकड़े थे मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेस्टियल असेंडेंट रेक्स, क्या करप्टेड वर्जन ना, हाँ करप्टेड सिलेस्टियल रेक्स भाई, ठीक है असेंडेंट तो करा ही नहीं मैंने इसको। उसके बाद ये क्या चीज़ है, गीगा वाइल्ड है क्या, कहाँ भाई कहाँ जा रहा है, भूख लगी है क्या, अबे क्या चल रहा है, अरे बस कर भाई क्या कर रहा है, पागल बिगल हो गया क्या गीगा भाई, गीगा मेरा पागल बिगल हो गया क्या, पता नहीं यार चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे वरना भाई एक थप्पड़ मिलेगा तेरे को, ठीक है। अगला डायनो है हमारा करप्टेड सिलेस्टियल वाला वाइब्रन, इसको भी गाइस हम लोग ने असेंडेड नहीं करा गाइस यहाँ पे। देन उसके बाद आता है यहाँ पे करप्टेड सिलेस्टियल गीगा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाइस था यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास करप्टेड वाला सिलेस्टियल स्पाइनो, नाइस काफ़ी डायनोज है मेरे पास यार। उसके बाद भाई टॉर्पोर किंग हमारा जिसका इस्तेमाल हम लोग ने ज़्यादा करा ही नहीं है, एंड ओ नई डायनो गाइस सिलेस्टियल वाले गैस बग जो है गाइस वो भी ऐड हुई थी सीजन में, वो भी हम लोग ने टेम करने का काम करा था गाइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली वाली जो डायनो है वो काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, काफ़ी बड़ी लग रही है, रुको इसको यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ मैं, कांड फिटिंग भाई लो, अरे 10 किलोमीटर बड़ी है क्या ये, जो भी है भाई क्या चीज़ है ये भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो स्पॉन ही ना हो रही है। अरे पिकॉन द ग्रेटर मछली भाई, यार ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी थी ना मैंने, ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी थी, निकालो और भाई क्या है बताओ और क्या है। अरे बाबा रे बाबा, नोवा रिवेंज गाइस अपना जो कि एंड में जाके पकड़ा था हम लोग ने, ठीक है पकड़ा था मतलब फोर्स टीम करा था गाइस, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नोवा द डिस्ट्रॉयर भाई, नोवा द डिस्ट्रॉयर भी मैंने काफ़ी सारे गाइस यहाँ पे टेम करे थे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक क्योस डोडो रेक्स, नाइस नाइस भाई, इतने सारे डायनोज है क्या मेरे पास,
भाई इन लोगों को तो मैंने बाहर ही नहीं निकाल के रखा था, पूरा बेस भर गया मेरा, पूरा बेस भर गया भाई। निकल बाहर। अरे बाबा, अरे बाबा, नोवा रिवेंज स्वयं भाई, स्वयं आ गई आप। ये देखो भाई, ये देखो नोवा रिवेंज भाई स्वयं आ गई आप। भाई नोवा रिवेंज तो पूरी की पूरी जो है ना मेरे डायनो को घेर लेगी, इतनी ज़्यादा बड़ी है भाई ये, सारे के सारे डायनो जो है भाई। इधर भाई, दबा, बच जाऊँगा। अरे नहीं बचा, चलो कोई ना, फॉल डैमेज बढ़ाने मुझे, ठीक है। और क्या है भाई, और अपने पास है, ओके ऑल्स डोडो रिपर भी तो है अपने पास। भाई इन लोगों को तो मैंने बाहर ही नहीं निकाला है। और कांट फिट इन टारगेट एरिया। अभी ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो टारगेट एरिया में नहीं फिट हो रही है? अबे क्या चीज है ये? अरे अपना खतरनाक सा बॉस भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, बस बस बस। अरे यार, ओके ठीक है ठीक है, चलो पिकॉन रिवेंज बॉस भाई, ठीक है खत्म। क्या नहीं यार, और डायनोस होंगे मेरे हिसाब से मेरे पास, सारे डायनोस को निकालूंगा बाहर। सिलेस्टियल वाला थाइलो को लियो, देन क्योस डोडो वाइब्रेंट गाइज यहाँ पे, नाइस वन, काफ़ी बढ़िया। और क्या है, बस खत्म गाइज। और ये आखिरी वाला नोवा रिवेंज भाई, दो दो नोवा रिवेंज थे अपने पास। सो ये इतने सारे डायनोस मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, रुको। अरे भाई इसके रीजन से मैं उड़ नहीं पाऊंगा ना भाई, इसके रीजन से उड़ नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है काम कर लेता हूँ, रुको मैं जीसीएम मोड पे ही जाता हूँ ताकि मैं उड़ सकूँ, ठीक है आ जाओ। चलो मैं आपको सारे डायनोस दिखा देता हूँ ऊपर से गाइज, ठीक है। अपना ऊपर से बेस ही चला गया भाई, ये देखो, ये देखो भाई बेस फुल खचा खच भर चुका है भाई, खचा खच गाइज यहाँ पे भर चुका है हमारा बेस भाई, देख रहे हो। ये देखो भाई, ये इतने सारे डायनोस को टीम करने का काम हम लोग ने इस वाले सीजन 2 में करा है। इसमें से मैक्सिमम डायनोज लगभग 50 या 60 डायनोज नोवा रिवेंज को मारने के, 50 या 60 से भी ज़्यादा डायनोज, हाँ क्योंकि एक बार में तो मैं 20-30 बाई डायनो की आर्मी लेके गया था। सो 50 या 60 से भी ज़्यादा डायनो की आर्मी यहाँ पर नोवा रिवेंज को मारने में जो है ना हमारी खत्म हो गई, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गई, वरना हमारा बेस जो ना जब एकदम फुल टू और खचाके से डायनो से भरा होता। सो गाइस ये सारे डायनोज हम लोग ने पिछले इतने सारे एपिसोड्स में टीम करे प्राइमल फियर हार्डकोर में। और गाइस आपको इन सारे डायनोज में से सबसे ज़्यादा ओपी और पावरफुल कौन सा डायनो लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और इन सारे डायनोज के शोकेश के बाद ये वाली सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट जो मैंने सवाल आपसे पूछा है कि आपको बता देना है नीचे कमेंट करके कि अगला वाला मॉड, अगली वाली सीरीज मैं आपके लिए कौन सी लेके आओ, और मेरे पास अभी फिलहाल के लिए टोटल कितने डायनो है, ये सारे डायनोज काउंट करके मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। और जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर से दे देना। सो गाइज इन्हीं सारे डायनोज के टीमिंग के साथ ये वाली हमारी जो सीरीज है प्राइमल फियर हार्डकोर यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते सीधा आपसे ब्रांड न्यू एक और नई किसी सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर। एंड धन्यवाद इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों का। चले गाइज मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय गाइज, सी यू लेटर।